ठंडाई नहीं बनाओगे तो बात नहीं बनती। तो आज हम ठंडाई बनाएंगे। सारे पकवान बनते हैं और सबके घरों में बन भी गए होंगे। मेरा थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरी बेटी के बोर्ड चल रहे हैं। और देखिए, बोर्ड सिर्फ बच्चे के नहीं होते, माँ के भी होते हैं। यानी बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जो हम मदर्स को संभालनी होती हैं। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती थी जिससे उसकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो। तो हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया है, पर मुझे पता है मैं सब कर लूंगी। तो आज मैं आपके साथ खूब सारी ऐसी जो मिठाइयाँ बनती हैं होली पर, वो सब शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे गुजिया और ठंडाई का पाउडर बनाएंगे और एक बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मिठाई, होती है चंद्रकला। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे हम गुजिया। गुजिया बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में ली है लगभग एक कटोरी सूजी, और देखिए उसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है। इसे हल्का सा हमें गोल्डन करना है, बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसे भून के तैयार कर लेंगे। और ये लिया है मैंने 1 किलो मैदा, इसमें 3 से 4 चम्मच के आसपास देसी घी में डालूंगी मोहन के लिए। और उसके बाद चेक करेंगे, अगर मोहन की जरूरत होगी तो डालेंगे, वरना तो नहीं। तो चलिए इसे फटाफट से बना के रख देते हैं क्योंकि इसको रेस्ट करने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट छोड़ना पड़ेगा। मोहन डालना इसलिए भी ज़रूरी होता है, देखिए, क्योंकि जब हम गुजिया बनाते हैं तो वो एकदम खस्ता करारी बने, उसके लिए उसमें मोहन डालेंगे तभी वो करारी बनेगी। तो उसे घी को आप थोड़ा सा गर्म करके डालिए और इस तरह हाथों से अच्छे से मसल लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा आपको इसमें पानी ऐड करना है और इसका एक अच्छा सा डो बना लेना है। ना तो वो बहुत टाइट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। होली एक ऐसा त्यौहार होता है जिस पर अगर आप ठंडाई नहीं बनाओगे तो बिल्कुल भी बात नहीं बनती। मैं जा रही हूँ ठंडाई का पाउडर बनाने। पाउडर का ये फायदा होगा कि जब दिल करेगा हम उसे तब खा सकते हैं, सॉरी सर तब पी सकते हैं। लेकिन अगर मैं पेस्ट बनाऊंगी तो जो उसकी सेल्फ लाइफ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं ठंडाई में क्या क्या चीज़ें जाएंगी और इसे हम कैसे बना सकते हैं। ठंडाई बनाने के लिए मैंने लिया है ये 1/2 कप के आसपास बादाम है, 1/2 कप काजू है, 1/2 कप पिस्ता है, और देखिए लगभग 20 के आसपास ही काली मिर्च हैं, 10 इलायची हैं और 2 चम्मच मेलन सीड हैं, उसके साथ 1 चम्मच सौंप ली है, और ये हैं पोपी सीड। आपको ये आराम से मार्केट में मिल जाएंगी, जो मैंने 1 चम्मच ली है। इसके साथ इसमें जाती हैं रोज़ पेटल, ये मेरे पास ड्राइड है, मैंने पहले से बना के रखी थी, और ये लगभग 2 चम्मच है। अब क्या करेंगे, इन्हें सबको एक साथ इकट्ठा करेंगे और पीस लेंगे। ठंडाई पाउडर को एक जगह इकट्ठा करके पीस लेंगे और इसे हम फ्रिज में स्टोर कर देंगे। ये महीनों तक स्टोर करके रखा जा सकता है। देखिए सारा सामान मैंने एक जगह मिला लिया है। आप चाहें तो ठंडाई का पेस्ट भी बना सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा दूध को ऐड करिए और इसी से ही उसका पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद इसे बनाना बहुत आसान है। देखिए पाउडर बन गया है और बिल्कुल रेडी है। मैंने यहाँ भिगोने में लगभग 3 गिलास के आसपास दूध लिया है। मैं 2 गिलास ठंडाई बना रही हूँ, तो देखिए इसको हमें इतना गाढ़ा करना है कि ये बच जाए 2 गिलास। अब इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी मिला लीजिए। मैंने यहाँ पिसी हुई चीनी डाली है, मेरे पास ये थी। और 1 गिलास में हमें डालनी है 2 चम्मच भर के ठंडाई पाउडर की। इसी क्वांटिटी से मैंने 4 चम्मच डाली है। मैंने दूध में कुछ केसर के धागे भी डाले हैं। देखिए अब इसे अच्छे से मिलाएंगे और अब मैं इसे रख दूंगी फ्रिज में ताकि ये एकदम चिल्ड हो जाए। और बचा हुआ जो पाउडर है इसे भी मैं किसी जार में भरूंगी और फ्रिज में रख दूंगी। ये तो काफ़ी टाइम तक अब स्टोर हो जाएगा और चाहो तो आप इसे जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है। अब एक कढ़ाई में गुजिया के लिए मैंने देखिए ये कसा हुआ गोला लिया है, घर में जो रखा रहता है वही है, और इसमें थोड़ा सा घी डाला है और इसे अच्छे से भून लूँगी। भूनने से ये फ़ायदा होगा कि ये जल्दी से गुजिया ख़राब नहीं होंगी। मैं बना रही हूँ चाशनी वाली गुजिया, तो थोड़ा सा मीठा डालूंगी, लगभग 1/2 कटोरी है, और उसके साथ देखिए ये सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आपको इनमें से जो भी पसंद है वो रख लो, जो नहीं आप खाते वो हटा दो।
गुजिया की स्टफिंग के लिए देखिए मैंने जितने भी मेवे लिए थे वो डाल लिए हैं एक परात में, उसमें सूजी डाल ली है और जो चीनी पीस के ली थी उसे भी डाल ली है। उसके साथ जो मावा मेरे पास रखा था लगभग आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था ये, मैंने ये डाला है। इसकी क्वांटिटी तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे मैंने बहुत बढ़िया से मिला लिया है और उसके बाद मैंने इसमें ऐड करा था जो मैंने भून के रखा था गोला वो। अब देखिए स्टफिंग बिल्कुल रेडी है, इधर दूध भी जो हमारा ठंडाई थी वो भी ठंडा हो गया है, चिल्ड हो गया है। अब इसे बच्चों के लिए सर्व कर रही हूँ और पिस्ते से मैंने इसे गार्निश कर लिया है, थोड़ी सी ड्राई रोज पेटल डाली हैं। तो ये हो गई है ठंडाई रेडी और इसे इस होली ज़रूर बनाइएगा क्योंकि बहुत टेस्टी लगती है। और अब मैं बच्चों को दूंगी, पूछती हूँ उनसे कैसी लगेगी। कैसा लगा बेटा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ। हाँ? पी के दिखाओ। टेस्टी बना है। अच्छा हाँ सारा तुम्हारा है, पियो। ये है 2 ग्लास चीनी और इसमें जाएगा 1.5 ग्लास पानी और इसकी बनाएंगे हम चाशनी। थोड़ी सी केसर के धागे डालेंगे और उसके साथ थोड़ा सा इलायची का पाउडर। गुजिया के लिए जो हम चाशनी बनाते हैं ना, तो देखिए उसमें कोई तार बनाने की ज़रूरत नहीं होती। उसको चीनी को बहुत अच्छे से बस इसमें डिजोल्व होने दीजिए और 5 मिनट पकाइए और नीचे उतार लीजिए। हो गई चाशनी तैयार। अब हम थोड़ा थोड़ा आटा लेंगे और इसकी लोइयाँ बनाएंगे और अपनी गुजिया तैयार कर लेंगे। बाकी आटे को ढक के रख देंगे ताकि ये बिल्कुल ना सूखे। तो इसे यहाँ रख देते हैं और लोइया बनाते हैं। तो गुजिया की जो हम लोई बनाएंगे, देखिए थोड़ी सी इतनी थिक बनाएंगे, बहुत पतली नहीं बनाएंगे। अब मैं सारी लोइयों को एक साथ बना के रख लूँगी, सारी नहीं बनाऊँगी, थोड़ी थोड़ी बनाऊँगी। और देखिए उसके बीच में इस तरह से एक एक चम्मच भर के रखूँगी स्टफिंग की। और एक मैंने घोल तैयार करा है मैदे का और पानी का, चारों तरफ अच्छे से वो लगाएंगे और उसे अच्छे से बंद कर देंगे। घोल उसे बहुत अच्छे से पकड़ लेगा, बिल्कुल भी लोई को खुलने नहीं देता है। और देखिए इसे हमें इस तरह से बंद कर लेना है। मुझे बनानी हो तो देखिए उसे ऐसे बंद कर लीजिए और यहाँ से दबाइए, मोड़ दीजिए, फिर दबाइए, फिर मोड़ दीजिए, फिर दबाइए, फिर मोड़ दीजिए, फिर दबाइए, फिर मोड़ दीजिए, फिर दबाइए, और ऐसे ही करके हमें इसे पूरी गुजिया को बंद कर लेना है। इस तरह की गुजिया बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं थोड़ी सी हाथ से बनाऊंगी और थोड़ी सी बनाऊंगी जो उसका फ्रेम मेरे पास है, एक फर्मा है मेरे पास उससे। और जो ये आखिरी वाला सिरा आता है इसे ऐसे दबाओ, ऐसे, तो फिर ऐसे। और देखिए एक और दिखाती हूँ बना के आपको। ये दबाया, मोड़ा, फिर दबाया, फिर मोड़ा, फिर दबाया, फिर मोड़ा, फिर दबाया, फिर मोड़ा, और ऐसे ही करके पूरे को दबाते। जब हम हाथ से इस तरह से गुजिया बनाते हैं मोड़ मोड़ कर, तो ये देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी आज टाइम की कमी है, तो कुछ तो मैं क्या करूँगी, हाथ से बनाऊँगी और कुछ के लिए मैं करूँगी मोल्ड का यूज़। मेरे पास पहले से है, पिछले साल मैंने लिया था, उसमें से एक टूट गया था, एक बचा है प्लास्टिक का। तो देखिए ये हो गई है मेरी हाथ की कुछ गुजिया रेडी। देखो अच्छे आटे की क्या पहचान होती है कि जब हम उसे बेलते हैं तो उसके कोने ना बिल्कुल फटने नहीं चाहिए और एक सरफेस के ऊपर वो चिपकना नहीं चाहिए। अच्छा दूसरा, अगर आपको गुजिया बनाने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपके साथ एक और मेथड शेयर करूंगी। और देखो इससे आप आराम से बना लोगे, ऐसे स्टफिंग भरो और ये पानी का और मैदे का घोल लगाओ चारों तरफ से। अब इसे आराम से इसके ऊपर पलट दो ऐसे करके, पलट दिया। और अब क्या करेंगे, अब कोई भी एक फूग लेंगे और उससे इसके किनारों पे ऐसे डिजाइन बनाएंगे। बन गई ना, और बिल्कुल नहीं खुलेंगी और देखने में भी खूबसूरत लगेंगी। मेरे पास ये गुजिया का फ्रेम है, मैं इसी से बनाऊंगी। हाथ से भी बन सकती है लेकिन इससे काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, थोड़ा इससे बड़े साइज की इस तरह से लोई बनाएंगे। मोल्ड से काम करना थोड़ा सा आसान होता है। देखिए इसके ऊपर लोई फैलानी है और उसमें हमें एक चम्मच थोड़ी सी ज़्यादा भर के हमें रखनी है स्टफिंग की। अब जो घोल बनाया था थोड़ा सा मैदे का और पानी का, उसे चारों तरफ लगा लेना है ताकि जो गुजिया है वो खुले ना।
और अब इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जो ये एक्स्ट्रा आटा आप देख रहे हैं इसे हटा दो और इसे फिर से यूज़ करा जा सकता है। जितना बार बार ये निकलता रहेगा आप इसको इकट्ठा करिए और इससे ही आप दूसरी गुजिया बना सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से इसे इस तरह से दबाइए और गुजिया रेडी हो गई ना बहुत जल्दी। तो इसी तरह से मैंने अपनी सारी गुजिया रेडी कर ली हैं और अब देखती हूँ कि चाशनी रेडी हुई है कि नहीं। और ये हो गई है चाशनी तैयार। हमें इसमें कोई तार नहीं बनाना है, बस ये अच्छे से घुल जाए और घुलने के बाद इसे 5 मिनट पकाना है। और देखिए हमारी चाशनी एकदम रेडी है। अब इसे बंद कर देते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब एक कढ़ाई में मैंने देसी घी लिया है। सारी ही मिठाइयाँ मैं देसी घी में बना रही हूँ और जैसे एक बैच रेडी होगा तब तक मैं दूसरी गुजिया बनाकर रेडी कर लूँगी। तो इधर मैं साइड बाय साइड दूसरी गुजिया बना रही हूँ। तो देखिए जब तेल के अंदर से इस तरह से बबल आने लगे, बिल्कुल हल्का हल्का में इसे गर्म करना है, बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है। तो जो गुजिया हमने बनाकर रेडी करी हैं वो हम इसमें एक एक करके छोड़ देंगे और बिल्कुल भी उसके अंदर हमें कोई करछी नहीं लगानी है। जब ये धीरे धीरे सिककर अपने आप से ऊपर आने लगेंगी तो हम इन्हें पलट। जो परफेक्ट गुजिया होती है ना, तो उनके लिए जो हम ऑयल यूज़ करते हैं या घी यूज़ करते हैं उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत मायने रखता है। गुजिया को सिकने में पूरा 10 मिनट के आसपास लगते हैं और जब से मैंने ये चाशनी वाली गुजिया बनानी स्टार्ट करी है मेरे बच्चे तब से सूखी गुजिया बिल्कुल नहीं खाते, तो हमेशा अब मैं चाशनी वाली गुजिया ही बनाती हूँ और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। आप ज़रूर बनाइएगा और इन्हें एक ही बार बना के तैयार कर लो, उसके बाद भरो ताकि आराम से भरा जा सके। बार बार दोनों चीज़ों के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती और इन्हें बस उतना सेकना है जिससे इनके ऊपर एक हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। देखो सारी गुजिया कितनी सुंदर बनी है, एकदम गोल्डन गोल्डन। और इन्हें अब चाशनी में डाल देंगे और तब तक डाले रखेंगे जब तक दूसरा बैच रेडी नहीं हो जाता। जब गुजिया को चाशनी के अंदर हम डिप करते हैं तो एक बात का और ख्याल रखना है कि जो चाशनी है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। अभी मैंने इसको इतना रखा है कि बस ये हल्का सा, जिसको हम कहते हैं ना कि गुनगुनी टाइप है वैसी, क्योंकि मेरी जो गुजिया है ऑलरेडी गर्म है तो ये बहुत अच्छे से इसकी चाशनी पी जाएंगी। और देखिए तब तक इसमें रखिए जब तक आप दूसरा बैच रेडी नहीं करते, क्योंकि एक बैच को रेडी करने में कम से कम 10 मिनट के आसपास लग जाते हैं। और देखिए इन्हें बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनाने के लिए इनके ऊपर मैंने छोटा छोटा सा पिस्ते को काट के रखा था, उसकी कतरन लगा देंगे और अब ये बिल्कुल रेडी हैं। और कोई कह ही नहीं सकता कि ये बिल्कुल हमने घर पे बनाई है, क्योंकि देसी घी में बनी हुई चीज़ों का अपने आप में एक अलग स्वाद होता है। तो गुजिया रेडी हो गई है और अब बनाएंगे चंद्रकला। तो चंद्रकला की चाशनी बना लेते हैं। थोड़ी सी चाशनी मेरे पास बची हुई है और इसी में डाल के मैं और चाशनी बना लूँगी। चंद्रकला के लिए सेम जो मेथड होता है चाशनी बनाने का गुजिया के लिए वही होता है, लेकिन इसकी जो डो लगाते हैं वो थोड़ा सा चेंज होता है। देखिए मैंने लगभग आधा किलो के आसपास यहाँ पे मैदा लिया है और उसमें 3-4 चम्मच देसी घी डाला है। मोवन तो हमेशा हमें देख के ही चेक करना होता है, लेकिन यहाँ 1/4 टेबल स्पून मैंने डाली है बेकिंग सोडे की और ये डालना इसमें ज़रूरी होता है। अब इसमें थोड़ा सा हमें गुनगुना पानी लेना होता है और इसके डो को भी हमें 15-20 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा। तब तक ये रेस्ट कर रहा है तो हम इसकी स्टफिंग को रेडी कर लेंगे। चंद्रकला बनाने के लिए मैंने ली है चिरौंजी और उसके साथ थोड़े से कटे हुए काजू और ये लिए हैं किशमिश, इधर लिए हैं ये बादाम, इनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। थोड़े से मैंने लिए हैं यहाँ पर पिस्ता और उसके साथ देखिए ये लिए हैं मैंने जो खरबूजा होता है उसके बीज, मगज कहते हैं इनको। और इसके साथ ये लिया है मैंने मावा, इसमें इस मावे को ऐड करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ी सी बनानी है। और ये लिया है इलायची का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे इसमें इलायची का पाउडर। और इसके साथ इसमें लगभग 4 चम्मच जाएगा पिसा हुआ चीनी, डाल लीजिए या फिर आप बूरा डाल लीजिए, कुछ भी डाल सकते हैं। तो इन सबको एक जगह मिला लेते हैं। और देखिए चंद्रकला के लिए मैंने जो स्टफिंग बनाई थी उसका जो सारा सामान था उसे मैंने एक जगह मिला लिया है, इसे मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद क्योंकि पूरा दिन हो गया था किचन में खड़े खड़े, तो अब मैंने अपना नीचे एक मैट बिछाया, एक चादर बिछाई और अब मैं अपना काम करूँगी इस पर बैठ के।
ताकि अब थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील हो। चंद्रकला बनाने के लिए हमें दो लोइयों की ज़रूरत होती है जिनका साइज़ सेम हो, तो हाथों से तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो देखिए मैंने एक ग्लास लिया है, इससे इस तरह से कटिंग करने के बाद ना बिल्कुल सेम साइज़ की दोनों लोइयाँ मिलेंगी, और बीच में से आप इस तरह से आटे को हटा लीजिए और इस आटे को आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। चंद्रकला में बीच में एक चम्मच भर के इस तरह से स्टफिंग की रखिए, और जो मैदे और पानी का हमने घोल बनाया था उसे चारों तरफ लगाइए और दूसरी लोई उसके ऊपर रख के अच्छे से चिपका दीजिए। अब जो साइडें हैं इन्हें हाथों से इस तरह से टाइट टाइट दबाना होता है ताकि ये कहीं हम घी में डालें और खुल जाएं, तो इसे बहुत अच्छे से टाइट टाइट दबाइए। और देखिए इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनता है वो बिल्कुल जो हमने गुजिया बनाई थी उनके जैसा बनता है, यानी दबाना है फोल्ड करना है, दबाना है फोल्ड करना है, दबाना है फोल्ड करना है। सेम इसी तरह से मैंने जो मेरी चंद्रकला थी उसका मैंने एक छोटा सा पोर्शन यानी 7-8 चंद्रकला मैंने रेडी कर ली, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाती हैं। चंद्रकला बनाते हैं तो ऐसा होता है कि शुरू शुरू की थोड़ी ख़राब बनती है, पर धीरे धीरे आप 3-4 बनाओगे तो उसके बाद परफेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। और मेरी भी बिगड़ती हैं क्योंकि जब देखिए बहुत दिनों के बाद बनती हैं कोई चीज़ें तो ख़राब होती हैं, लेकिन हाँ जब 3-4 बन जाती है उसके बाद जो शेप है वो परफेक्ट आनी शुरू हो जाती है। और आप चाहें तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं इसकी फिलिंग में। मेरे पास आज येलो कलर नहीं था, आप थोड़ा सा येलो कलर डाल लीजिए तो जिस टाइम पे आप इसे कट करेंगे तो ये अंदर से येलो निकलेगी, देखने में बहुत सुंदर लगती है। अगली बार कोशिश करूँगी आपके साथ शेयर करूँ, और इसके बहुत सारे फ्लेवर आप बना सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इनको बनाते रहेंगे और ढक के रख देंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि ये सूखेंगी नहीं, अगर ऐसे छोड़ देंगे तो सूखनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो थोड़ी थोड़ी बनाते रहेंगे और उसी के बैच को रेडी करते रहेंगे। चंद्रकला के मैंने दो बैच रेडी करे हैं क्योंकि इसे बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो एक को तो मैं घी में छोड़ दूंगी और दूसरे को ढक के छोड़ दूंगी। और देखिए ये वही घी है जिसमें मैंने अपनी सारी गुजिया बनाई है, एकदम साफ है। इससे पता चलता है कि गुजिया एकदम परफेक्ट बनी है क्योंकि वो बिल्कुल भी खुली नहीं। और देखिए जो हमारी चंद्रकला है इसमें हमने क्योंकि थोड़ा सा सोडे का यूज़ करा है तो ये जब हम जिस टाइम पे इन्हें तलते हैं उस टाइम पे थोड़ी सी फूल जाती हैं, और जब चाशनी में डालते हैं इसी वजह से ये चाशनी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इन्हें भी हमें बिल्कुल गोल्डन बनाना है, बहुत जलाना नहीं है, लेकिन आँच को इतना धीमा रखना है ताकि ये धीरे धीरे सिके। एक बैच को सिकने में कम से कम 10 से 12 मिनट के आसपास लग जाते हैं, और अब इन्हें चाशनी में छोड़ देंगे, और जब तक दूसरा बैच हम रेडी करेंगे बस उतनी देर इनको छोड़ना है, इतने में ये खूब चाशनी पी जाएंगी और तब तक हम अगला बैच बना लेते हैं। इसे ऐसे हाथों से अच्छी तरह दबाइए, और देखिए कोई भी सिरा पकड़िए, दबाइए फोल्ड कीजिए, दबाइए फिर फोल्ड कीजिए, फिर दबाइए फिर फोल्ड कीजिए, फिर दबाइए फिर फोल्ड कीजिए, और बस इसी तरह से हमें इसे पूरा कर लेना है। लास्ट वाले सिरे को ऐसे बंद कर देना है, और देखिए हमारी एकदम बढ़िया वाली चंद्रकला बन गई। और बस इसी तरह से मैंने सारी चंद्रकला को भी रेडी कर लिया, और देखिए ये चाशनी इन्होंने बहुत अच्छे से पी ली है और इतनी टेस्टी ये बनी थी, ये तो आप जब खुद से बनाएंगे आपको तभी पता चलेगा, क्योंकि देखिए देसी घी की बनी हुई चीज़ है और अंदर भी जो भी चीज़ पड़ी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और मेरी चंद्रकला भी रेडी हो गई हैं, अब इन्हें भी उसी तरह से पिस्ते के साथ गार्निश कर लेंगे, और मेरा जितना भी काम था आज का मिठाई बनाने का ये ख़त्म हो गया। बस इन्हीं छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखना है, कभी भी ना तो आपकी गुजिया बिगड़ेगी और ना ही चंद्रकला बिगड़ेगी। और देखिए चंद्रकला भी कितनी ज़्यादा टेस्टी भी बनी है और खूबसूरत भी बनी है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो,
वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी होली बहुत अच्छे से मनाइएगा। बहुत जल्दी मिलूंगी कुछ और रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैप्पी होली एंड बाय बाय।